से ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे। हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन है, तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। क्यों नहीं राहुल गांधी जाते, उत्तर प्रदेश में लड़ते, दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग, ये हाल। एक ही बात कहना चाहूंगी उनको, जो आज मेरी एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनेंगे, फिर ट्विटर पे जाएंगे, उसका हंगामा मचाएंगे। है ऐसे कुछ प्राणी? नहीं, नहीं, नहीं। बाकी सब छोड़ दे विपक्ष, हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन है। हमको ये बतला दे तुम्हारी नीति क्या, नियत क्या है, ये दुनिया जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी कार्यकर्ता दंगे की चोट पर कहते हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी, हमारी नीति सशक्त भारत, और हमारा जो नियत है, हमारा जो संकल्प है, वो है 2047 तक पूर्ण रूप से भारत को विकसित बनाना, और आगे 3 साल में भारत को तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बनाना। अब विपक्ष का ये हाल है, वायनाड की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करती हूं, विपक्ष का ये हाल है कि वायनाड में झगड़ा चल रहा है। लेफ्ट पार्टी कह रही है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जाते, उत्तर प्रदेश में लड़ते, लेकिन जब वही लेफ्ट इंडिया अलायंस की मीटिंग में दिल्ली जाते हैं, तो राहुल गांधी को गले लगाते हैं। कर केरल में मैंने कहा, दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, और आज जो कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग, ये हाल। इसीलिए उनकी नजर आपकी तिजोरी पे है, आपकी नजर ईवीएम पे, कमल के बटन पर रहनी चाहिए। मैं यही निवेदन आपके मध्य में लेकर आई हूं, जो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग और कर्नाटक में थगिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों की गिरफ्त में ना जाएं, जाकर पोलिंग वाले दिन कमल का बटन दबाएं, पुनः नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद आप दें। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।